आप में से कुछ लोग अक्सर ही कमेंट करते हो कि मंदबुद्धि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा और कैसे होगा। देखो सही बताऊं तो तुम्हारा ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। अब इससे पहले तुम लोग गुस्सा होकर चले जाओ, रुको रुको, पहले मैं ये बात तो पूरी समझ लूं। देखो बिलीव मी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं और ना ही तुम्हें क्वेश्चन करने से मना कर रहा हूं। सवाल पूछना इज डू गुड, लेकिन मेरा तुम्हारे इस क्वेश्चन को सही नहीं कहने के पीछे एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। मैंने इस चैनल पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने से रिलेटेड, डिफरेंट वायरस को और क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस बनाई है। इवन यू नो मेरे हर वीडियोस में बेयरली 1000 व्यूज जाते हो, पर मैं स्टिल आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बनाता हूं ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव और एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग दे सकूं। आई डोंट हैव एनी फेस, आई डोंट हैव एनी ब्रांड वैल्यू एंड ऑल्सो आई डोंट नो, शायद यूट्यूब ज़ॉम्बी टाइप और हॉरर टाइप वीडियोस को ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करता है। तो खुद सोचो, इतने छोटे से चैनल से और इतना रिस्क लेने से मेरा क्या फायदा? नथिंग। अगर इनके स्कल को यूट्यूब ये चैनल उड़ा दे, जो कि वो कर भी सकता है, तो जरा सोचो मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा और हम लोग ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली वीडियोस नहीं देख पाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो, आप जो पूछते रहते हो कि कब होगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, आई सिंपली वांट टू से कि चलो मान लेते हैं कि कल ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लोगे? और यहाँ चलो ये भी मान लेते हैं कि आप ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली वीडियोस को देखते हो तो आप सर्वाइव कर लो, पर क्या आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ज़ॉम्बीज क्या होते हैं। जब वो रोड पर किसी एक इंसान को दूसरे को खाते हुए देखेंगे तो लिटरली उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा और उन्हें तो वो व्यक्ति ही पागल लगेगा। अब सुनो तुम, हाँ आप लोग जो भी इन वीडियोस को देख रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम लोग बहुत स्पेशल और रेयर हो जो इन वीडियोस को देख पा रहे हो और जान पा रहे हो कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है। लव यू 70 किलो फॉर दैट। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अकेले के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सरवाइव करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ये बात सच है, और तुम्हें एक ग्रुप की नीड पड़ेगी ताकि तुम वापस से ह्यूमन स्पीसीज को सेव कर पाओ, और ये वीडियो इसी के बारे में। तो मान लो ज़ॉम्बी वायरस वाकई में फैल रहा है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? क्या आपके अपने दोस्त या फैमिली सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारी ये दुनिया ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से फाइट करने के लिए अभी रेडी है? ग्राउंड लेवल पर इससे बचने के लिए क्या काम चल रहा है और ऐसी क्या चीज जो आपको ऐसे मौके पर ध्यान में रखनी चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। देखो सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति किसी एक्टिविटी को एक बार करने से एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। किसी को एक्सपर्ट बनने के लिए वो एक्टिविटी लगातार बार बार करनी पड़ती है। और मैं भी कुछ वही कहना चाह रहा हूँ कि हम नहीं जानते ज़ॉम्बी वायरस जब फैल रहा होगा तो हम कहाँ होंगे। जितना मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम सब कल के फ्यूचर हो, और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को कैसे हैंडल करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। हो सकता है जैसे लकी ने पूछा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हम जंगल में हो तब कैसे सर्वाइव करेंगे, हो सकता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के फैलने के वक्त हम अपने घर में गेम खेल रहे हो या मार्केट में हो, किसी को नहीं पता और अभी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है। और जो ये तर्क दे रहे हो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कभी नहीं हो सकता, कोरोना वायरस के भी होने से पहले लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा कोई वायरस आएगा जो कि इतनी ज्यादा लेवल पर स्प्रेड होगा, तो उन सब के समझने के लिए ये जवाब मेरा काफी है। अब देखो, हो सकता है कि आप एकदम अकेले रहते हो और आपके पास कोई भी सर्वाइवल गैजेट्स ना हो, तब आपका सर्वाइवल का चांस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और ज़ॉम्बीज कभी भी अकेले नहीं आएंगे, वो ग्रुप में आएंगे और आप होंगे अकेले, वो भी विदाउट एनी सर्वाइवल गैजेट्स। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? और जब आप खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो बाकियों को तो बचाने की भूल ही जाओ। हाँ, आपके दोस्त के होने से बस एक फायदा होगा कि अब ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए दो लोग होंगे और यूनिटी में दम होता है, इसलिए दम बढ़ाओ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मे बी ज़ॉम्बी वायरस रातों रात होगा। When I say this line, I literally mean कि हो सकता है जब हम सो रहे हों, ज़ॉम्बी वायरस तब फैलना शुरू हो जाए। हम 8 से कभी कभी 10 घंटे तक सोते हैं। अब उस वक्त में ज़ॉम्बी वायरस फैलता है, तब हम क्या करेंगे? हमने तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए तैयारी भी नहीं करी होगी। देखो, I don't want कि तुम पैनिक हो जाओ और दुनिया भर का सामान अभी खरीद के रख लो, पर बेसिक चीजें जो इम्पोर्टेंट है ऐसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो अपने पास हमेशा स्टोर करके रखो। या बेसिकली कैसे ज़ॉम्बी DIY हैक्स बनाने और क्या क्या फूड अपने पास स्टोर करके रखना है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। और मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की नहीं, उससे अलग बात कर रहा हूँ। अब देखो, जहाँ तक बात है कि हम अभी तक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए तैयार क्यों नहीं है, तो देखो उसका रीजन ये है कि आज भी कई लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। सबको लगता है मजाक है, पर आपको पता होना चाहिए कि भूतों के एग्जिस्टेंस से भी कहीं ज्यादा ज़ॉम्बी वायरस के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। यार वो प्रैक्टिकल चीज है, लाइक खुद सोचो, भूतों को या आत्माओं को कोई देख नहीं सकते हैं, पर ज़ॉम्बीज तो लिटरली वैसे ही इंसान है जो या तो मर के जिंदा हुए हैं या किसी पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ज़ॉम्बीज बनकर इंसानों को ही खाने लगे हैं। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आत्माएं या भूत नहीं होते, उनके होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, पर मैं पर्सनली घोस्ट से ज्यादा ज़ॉम्बीज जैसे क्रिएचर पर बिलीव करता हूँ जो कभी म्यूटेट होकर बन सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, मैंने आप में से कई लोग के बोलने पर अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया है मंदबुद्धि बालक के नाम से, तो जाकर एक बार फॉलो कर लेना।
जल्दी से उस पर 100 फॉलोअर्स भी करने ताकि हमारी डायरेक्ट बातचीत होती रहे और हमारी एक जॉम्बी सर्वाइवर रिलेटेड कम्युनिटी बन जाए और फिर ऐसा कुछ होने पर हम एक साथ इस दुनिया को बचाएं। कमिंग बैक टू टॉपिक, अगर हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को साइड पर कर दें तो भी नो वन नोस कि इमरजेंसी लाइक कोरोना वायरस पेंडेमिक कब हो जाए। देखो मैं डराना बिल्कुल नहीं चाहता, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल किसने देखा है, एंड इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा और उससे रिलेटेड टेंशन लेना कि हमारी ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो सकती है, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। अब आप शायद बोलो कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो जानकर हमें क्या करना है, गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर लेगी और इसे तो मिलिट्री कंट्रोल करेगी। तो देखो आई टोटली एग्री, बहुत झक्कास गवर्नमेंट और मिलिट्री फोर्स और वेपन्स हमारे पास है, पर अगर हमें ये नहीं पता होगा या हमारे सिटीजन्स अवेयर नहीं होंगे कि ज़ॉम्बीज क्या होते हैं तो कैसे कोई फाइट होगा या कैसे सर्वाइवल प्लान वर्क करेगा। सेम कोरोना की तरह जब कोरोना वायरस आया किसी को नहीं पता था उसे कैसे अवॉइड करना है, पर धीरे धीरे हमें आइडिया होने लगा, पर उसके रोकने के लिए भी गवर्नमेंट को काफी दिन और काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो क्यों ना हम उनका काम आसान करें और इसके लिए पहले से अवेयर हो जाएं कि ज़ॉम्बी वायरस क्या है, कैसे फैलता है, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स क्यों होता है और हम सर्टेन सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो व्हाई आई बिलीव कि हम अभी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए फिलहाल रेडी नहीं है, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एज अ कम्युनिटी बात कर रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो देखो हम क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पॉपुलेशन है, जिस वजह से अगर कोई ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड होता है तो हमारे उसका हल निकालने से भी पहले ज़ॉम्बी वायरस हमारे आसपास कहीं ज्यादा फैल चुका हो और फिर रोकना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो बेहतर हुआ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने वक्त हम एकदम किसी आइसोलेटेड एरिया वगैरह में चले जाएं, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आप कवर कर लो ताकि ज़ॉम्बीज के दांत भी आप पर बेअसर हो और हम सेफ रहें, और अपने साथ हम रेडी टू ईट फूड रखें ताकि ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में हमें खाने की भी कोई दिक्कत ना हो। एक और बड़ी चीज कि ये बिटर ट्रुथ है कि इतने भयानक पैंडेमिक को देखने के बाद भी कई लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं। मेरे कहने का मतलब कि यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कैसे सरवाइव करना है इस पर अपने सिटीजन को गाइड किया है और कई और प्लान भी बने हुए हैं जैसे कोनोप 8888। तो हम इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल क्यों नहीं मान सकते। देखो अब डोंट गेट कंफ्यूज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा सिचुएशन होना फिलहाल हाइपोथेटिकल नहीं है। देखो ये बस अभी नहीं हुआ है, पर नो वन कैन गारंटी कि ऐसा कुछ फ्यूचर में नहीं हो सकता या कभी नहीं फैलेगा। अब देखो जब तक मुझे और अच्छी लीड नहीं मिलती मैं एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बता सकता कि इस दिन को ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ, पर हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये होगा जरूर और हमें बस हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और फाइनली आई रिपीट, इसके लिए यू डोंट नीड टू पैनिक और डोंट टेक स्ट्रेस, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज को हम तक आने से पहले कई वॉल्स और गेट्स को क्रॉस करना होगा और बाकी बाहर में रह रहे लोगों को भी इफेक्ट करना होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सुबह उठे और आपके सामने कोई ज़ॉम्बी बैठा हो। पर बेशक किसी ने कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड यू ऑल नो कि यूएसए मिलिट्री तक ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर प्लान भी तैयार किया है। तो वो जब इतना अवेयर है तो हम क्यों नहीं। हाँ शायद उनमें ज्यादा दिमाग है। अब बस जाओ पहले इंस्टाग्राम पर उस पेज को फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, याद से सपोर्ट करना यार, तुम लोग जितने भी हो जानो मेरी। बाकी ये तो बात है कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो उसके लिए हम एक्चुअली रेडी है भी या नहीं, पर अगर आपको जानना है कि यूएसए मिलिट्री ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए कौन सा सर्वाइवल प्लान बनाया है तो अगर वो देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।